हेलो, वेलकम बैक टू माय रेसिपीज। तो आज मैं खीरे के पकोड़े बनाने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी बनते हैं इसके पकोड़े। और तो देख लेते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। तो मैंने यहाँ पे खीरा लिया है एक। तो वैसे तो जो देसी खीरे आते हैं उनका बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनते हैं, बट तो अभी गर्मियों में वो नहीं आ रहे। तो ये देखिए, मैंने ये खीरा ले लिया है एक, आधा नींबू लिया है और आधा प्याज लिया है और एक हरी मिर्च ली है और चिली फ्लेक्स लिया है। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स स्किप कर दें। और हरा धनिया लिया है, तो मैंने इस तरीके से कट कर लिया है बारीक बारीक। तो सबसे पहले खीरे को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, मैं छोटे छोटे स्लाइस में खीरा कट कर रही हूँ। तो ज़्यादा बड़ी साइज़ में नहीं कट करें, बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस कर लें खीरे की, इस तरीके से। तो इस तरीके से कट कर लेंगे खीरे के, स्लाइस कर लेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल बारीक ही किए हैं मैंने, छोटे छोटे स्लाइस किए हैं। और अब इस पे जो आधा लेमन लिया था उसका रस डाल देंगे, जूस। तो यहाँ पे आधा चम्मच से भी कम जूस लेंगे इसका, लेमन का। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि दोनों तरफ से खीरे पे लग जाए इसका जूस। तो इस तरीके से अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। और एक बॉल लेंगे, उसमें एक बॉल बेसन लेंगे, छोटी बॉल, मतलब 1 कप बेसन ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 कप बेसन ले रही हूँ मैं। और इसके बाद में इसमें, तो 1 बॉल बेसन ले लिया। इसके बाद में सब मसाला ऐड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज और चिली फ्लेक्स। तो अब ये सब ऐड कर देंगे इसमें। तो अब इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, तो चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करिए। और मिर्च ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच मिर्च डाल दी। और इसके बाद में सॉल्ट ऐड करेंगे, ये टेस्ट अकॉर्डिंग डालें। और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे अब इसमें। और अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे आधा कप पानी लिया है, तो अब पानी से मिक्स करेंगे अच्छे से, बैटर तैयार कर लेंगे पकोड़े का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ले रही हूँ, एक साथ पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसमें थोड़ा सा और डाल रही हूँ मैं पानी, और फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। और थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके से, अब इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे, थोड़ा सा और लूँगी। तो इसमें आधा कप पानी से भी कम लगा है, ये देखिए। अब पानी और ऐड नहीं करना है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको ढक के रख देना है थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से बेसन सेट हो जाए। तो यहाँ पे रख देंगे इसको ढक के 2-3 मिनट के लिए, ज़्यादा ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। तो यहाँ पे 2-3 मिनट के लिए ढक के रख दिया था मैंने। तो अब ये अच्छे से सेट हो चुका है बेसन। और अब इसमें ये जो खीरा लिया है तो इनको डाल देंगे इसमें। तो इस तरीके से स्लाइस को बेसन के घोल में डाल देंगे। और 8-7 स्लाइस लिए मैंने, ज़्यादा नहीं लेनी एक साथ। तो अब अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। और आप चाहे तो एक एक स्लाइस को भी डिप करके निकाल सकते हैं, बट मैंने एक साथ ही 5-7 स्लाइस डाल दी थी। और यहाँ पे एक पैन में मैंने गरम होने रख दिया था ऑयल। और यहाँ पे अब पकौड़े तैयार कर लेते हैं खीरे के, इस तरीके से। तो देखिए, बेसन भी अच्छे से सेट हो गया था खीरे पे। और आप इसको चेंज के पलट लेंगे जैसे ही सिकने लग जाएंगे पकौड़े। तो इस तरीके से चेंज कर लेंगे फिर इसको। तो ये देखिए, तो आप पलट लेंगे, देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है, बहुत अच्छे सिके हैं। तो इस तरीके से सबको पलट लेंगे और इनको बीच बीच में देखते रहेंगे ताकि जले नहीं। तो सारे पकौड़े इसी तरीके से तल लेंगे। तो अब इनको अच्छे से सिकने देंगे। अच्छे, देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है।
बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं पकोड़े। तो अब इनको अलग बर्तन में निकाल लेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम मीडियम पे ही सेके हैं इनको। तो ये देखिए मैंने सारे पकोड़े जो निकाल लिए अलग बर्तन में, और इस तरीके से मैंने सर्व कर लिए। तो यहाँ पे मैंने एक हरी चटनी बनाई है और एक सॉस है, और पकोड़े बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।